बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस मीटिंग में अरुण चतुर्वेदी ने बताया कांग्रेस के पूरे कालखंड को देखे तो जंगल राज, अत्याचार, खुलेआम अपराध, बेलगाम, पेपर लीक, युवा परेशान, बहन बेटियां पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, खुलेआम, कर्ज से मरता किसान, जमीन हो रही नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान के आंदोलन को लेकर 1 अगस्त को करेंगे सचिवालय का घेरा। राजस्थान की सरकार अपना कालखंड पूरा करने जा रही है। लगभग हम जुलाई में बैठे, सितंबर के आखिर में ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होगी और इस पूरे कालखंड को देखें तो पूरा कालखंड भ्रष्टाचार, अराजकता, जंगल राज, कुशासन, इनको पूरी तरह से भेंट हुआ है। इन 4.5 साल से अधिक के कालखंड में राजस्थान की जनता ने अगर कुछ देखा है तो केवल हिस्सा कुर्सी का देखा है, कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन हटेगा इस दौर में लगातार देखा। इन सारे मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता अब लगातार बहुत हो चुका, अब नहीं सहेगा राजस्थान, इस भाव को लेकर के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत 16 जुलाई को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आम सभा के माध्यम से इसकी शुरुआत की, जिसमें 9 मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया है, जिसमें कुशासन है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई लगातार स्थिति, भ्रष्टाचार की हाल चरम पर है, युवाओं को जिन वादों को किया था युवा निराश है, पूरी तरह से परेशान है, महिला सुरक्षा जर्जर हो चुकी है, राजदेश में प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए, किसान के नाते जिन वादों को पूरा किया तो उनको पूरा नहीं किया, दलित आदिवासियों के लगातार अपमान की स्थिति और कई तुष्टिकरण पराकाष्ठा पर हुई है। इन 9 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान का एक आंदोलन की शुरुआत की है। हम कह सकते हैं कि आज इन सब में आज राजस्थान भ्रष्टाचार के नाते से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आकर के खड़ा हुआ है। अपराध में हम चरम पर हैं, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि हमने सबकी FIR दर्ज करने की छूट दी है, इस कारण से नंबर क्राइम का बढ़ा है, रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ा है, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले अभी एक FIR दर्ज है और उनके कारण गौरीलाल जी मीणा जो सांसद भी हैं उनको थाने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। जयपुर में कमिश्नरेट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को धमकी दी गई, लोगों ने लगातार रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी वो दंगाई घर पर पहुंच गए, माल निकाल के फेंक दिया, उसके बाद भी पुलिस को कहने के बाद भी उनकी सुरक्षा के नाते कुछ नहीं हुए। ये जयपुर की राजधानी की हालत है। जयपुर राजस्थान में जगह जगह FIR नहीं दर्ज होने के ऐसे असंख्य मामले हैं जिनको दर्ज नहीं होते, तो रिपोर्ट के 156-3 का इस्तेलाशा पेश करते करते हैं, तो एक तरह से क्राइम के नाते से हम प्रथम स्थान पर आकर के खड़े हुए हैं। अब हम चिरंजीवी योजना की बात करें, जिसको राजस्थान के समय पहले भामाशाह योजना थी और भामाशाह को उन्होंने 2 साल तक बंद किया, चिरंजीवी लेकर के आए। चिरंजीवी में पहले भामाशाह में सरकार आम जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती, अब राजस्थान सरकार ने 850 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से जो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराता है उससे लेने की बात की, 850 अपने स्वयं के लगाते हैं और उसके बाद भी इस पूरे आंकड़े को अगर हम देखें तो ध्यान में आता है कि कुछ
हमारे यहाँ 1 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो एनएफसी बैंक में रजिस्टर्ड है, और जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड है उनको सारा पैसा आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त लाभ है। बाकी कुछ आरजीएचएस में रजिस्टर्ड है, कुछ अपना डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे राजस्थान सरकार के ऊपर जो केवल चिरंजीवी के नाम बात करें तो केवल कुछ लाख लोगों का ये दावा करने की बात करते हैं, उनसे भी पैसे लेकर के। और चिरंजीवी की हालत किस प्रकार की है ये आप लोग अपने चैनल और तो समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार, चाहे दवाई का मामला हो, जांच का मामला हो या फिर इलाज का मामला हो, तीनों में किस प्रकार की स्थिति चल रही है कि लगातार उसे सबके सामने आ रहे हैं। किसानों से वादा किया था कर्ज माफी का, कर्ज माफी नहीं हुई, उस मुकालते में किसान ने किस्तें जमा नहीं कराई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी 19,000 से अधिक को विधानसभा के पटल पर सरकार ने स्वीकार किया कि उनकी जमीनें तोड़ गई। कई किसानों ने इसके कारण से आत्महत्या करने की स्थिति हुई। वास्तव में यह आंकड़ा देखें तो लगभग कोई 30-35 हज़ार से अधिक का यह आंकड़ा निकल कर गया जाता है। बाजरा राजस्थान में उत्तर भारत में सबसे अधिक पैदा होने वाला राज्य है। बार बार बाजरे की सरकार की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात होती थी। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद की अपनी तरफ से सिफारिश भेजेगी तो हम अपनी तरफ से खरीद चालू करने को तैयार हैं। 2 सत्र निकल गए और दोनों सत्रों के भी अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश नहीं भेजी। इस कारण राजस्थान का किसान जो समर्थन मूल्य के ऊपर 2200 में किसान बाजरा बिकता है वो 1300-1400 में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। बगल के राज्य में 2200 बिकता है और यहाँ 1300-1400। जबकि जो बहुत बड़ा किसान अपने रखने काम करता है, गोपालकों का काम करता है, हमने लंपी की बीमारी देखा। लंपी की बीमारी में लगभग कोई 6 लाख से अधिक गायों के मरने का विषय आया था। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोरों से अपने बातों को कहकर के जवाब डाला कि हमने 41,000 लोगों को इस गायों की लंपी का पैसा देने का बात उन्होंने की है। निश्चित रूप से केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। अगर देना है तो वास्तव में सबको देने की बात करनी चाहिए थी। ये आंकड़ा है जो चाहे गौशालाओं पर है या अलग अलग नगर निगम निकायों का जो आंकड़ा आता है वो भी 5 लाख से अधिक का आता है। इस पूरे को अगर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या इसके निकल करके आती है। सारे हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक का एक मामला बहुत बड़ा है। युवाओं को बात की थी उन्होंने, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात थी या रोजगार के अवसर होते हैं, 19 परीक्षाएं अब तक रद्द हो चुकी हैं। और रीट की परीक्षा में खुद मुख्यमंत्री के सचिवालय तक सीधा सीधा ये मामला जा रहा था। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में मंत्री हैं, उनके नुमाइंदों के माध्यम से सरकार कराई। और यही जो राष्ट्रीय राजीव गांधी स्टडी सर्कल के अध्यक्ष हैं, पहले पिछले अशोक गहलोत जी के कालखंड में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन थे। उस समय पेपर छपाने का बड़ा घोटाला हुआ था। उस समय भी अकाउंटेंट को सबको पकड़ा, इनके ऊपर हाथ नहीं डाला। एक बार फिर रीट की परीक्षा इनके जिम्मे थी, वो पूरा का पूरा रीट शीट के उत्सव के रूप में तब्दील हो गई। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के चेयरमैन प्रोफेसर जारोली, जिस बोर्ड के ऊपर इस पूरी परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक ही वक्तव्य दिया था, अगर मेरे को छेड़ा गया तो बड़े बड़ों के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। और अब तक एक बार भी जारोली से पूछताछ भी एसीबी के द्वारा नहीं की गई। अब उसमें ईडी पहुंची है। निश्चित रूप से बहुत बड़े घोटाले घोटाले इसमें सामने निकल करके और कई चीज निकल करके आएगी सामने। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हम खान घोटाला भरत सिंधी का आज भी अब तक छपा है। लगातार 4 साल से लगातार बोल रहे हैं खान घोटाले के मामले में। लास्ट में तो उन्होंने अपना लेटर पैड उल्टा करके उन्होंने कहा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। केवल इतना नहीं, प्रवीण राजन जो बड़ा सरकार और मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। इस सरकार के और विधायक भी सदन के अंदर बोल चुके हैं और कई मामले आपको खुद मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं उस सचिवालय में 2 करोड़ से अधिक का कैश मिलना, सोने के सिक्के मिलना, ये जहाँ सचिवालय पर पैसों का कोई काम नहीं होता उसके बाद भी इसका मिलना स्पष्ट रूप से प्रमाण करता है किस प्रकार पूरी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। चाहे बजरी घोटाले का मामला होगा, पूरा पूरा माफिया काम कर रहा है। आईटी का घोटाला, जल जीवन मिशन का घोटाला, ट्रांसपोर्ट का घोटाला जो सरकार के बनने के बाद का सबसे बड़ा घोटाला था और जिसकी फाइल को दबा करके अपनी तरफ से कुछ लोगों को एक पिंजरे में कैद करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी प्रकार से बिजली का कोयला घोटाला, खरीद का कोयला घोटाला, एक एक करके घोटालों का 25 और अभी
हाल में जो राजेश बुड़ा जी ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, अब तो लाल डायरी आम आदमी में चर्चा का विषय है कि लाल डायरी अगर खुलेगी तो कितनों के चिट्ठे खुलेंगे। ये 4.5 साल में सरकार में किस किस प्रकार की कारगुजारियां हुई हैं, उन सब कारगुजारियों का काला चिट्ठा इसमें है। ऐसे भ्रष्टाचार की सरकार, तो मैं बात करूं तो जयपुर में हम प्रदेश की राजधानी में बैठे, सारे प्रमुख की बात में छोड़ दें तो जयपुर में बम ब्लास्ट का इतना बड़ा मामला हुआ, 75 लोग मारे गए, उसके 4 मुलजिम छोड़ दिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ पहले SLP दायर कर दी। जब भारतीय जनता पार्टी की SLP दायर हुई तो सरकार की तरफ से काफ़ी विलंब से अपनी SLP दायर की, और अब उस दबाव का परिणाम है कि अब एक पूरक चार्जशीट सरकार ने इस मामले में पेश करने का तय किया है। लगता है कि पूरी सरकार की लड़ाई और सरकार से तुष्टिकरण का काम लगातार इन 4.5 सालों में सरकार कर रही है। अलग अलग समय रामनवमी के जुलूस पर DJ नहीं बनेगा, लेकिन ताजियों के साथ DJ चल सकता है। इस प्रकार के अलग अलग तरह के मामले, इन सब के मामले को लेकर के जो लिपा पोती हुई है इसके सामने आपने है। दर्भनती नदी जिसमें हमने लगभग 1700 करोड़ का पूरा बजट और 1600-1700 करोड़ खर्च कर दिए, मात्र 500-600 करोड़ और सरकार को लगाने थे, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लग जाता तो शायद दर्भनती आज हम सब के लिए स्वच्छ हवा के लिए जयपुर के नागरिकों के एक बहुत बड़ा केंद्र होगा। पूरा उसका जो प्रोजेक्ट था वो पूरे जयपुर के उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लाइफ में चेंज करने वाला, लेकिन सरकार ने पिछली सरकार के कहकर के ये 500-600 करोड़ नहीं लगाए। पूरे इस मामले में आज अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पार्क लगाने की बात वो नहीं थी रेफरेंस के, बल्कि इस पूरे रास्ते में देखें तो अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के नेताओं के शहर पर उन जमीनों पर कब्जे का मामला हुआ है, और बड़े पैमाने पर आज कब्जे का नेटवर्क का बड़ा एक गैंग राजस्थान में या जयपुर में काम कर रहा है, लगातार पब्लिकों के काम करने का काम करता है और सरकार के संरक्षण कर रहा है। नशीली दवाएं सट्टों का काम ये गली गली में हो रहा है, ड्रग्स के काम गली गली में हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार का रैकेट और सरकार के लोग या विधायक सत्ताधारी दल के उनका संरक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मीट की दुकानों की संख्या बेताशा बढ़ी है, और मीट की दुकानों के बारे में जो कानून बना हुआ है उन कानूनों की पालना या स्वास्थ्य विभाग के नाते कैसे लगेंगे, कैसे डिस्प्ले होंगे, रखा कैसे जाएगा, साफ सफाई कैसे होगी, इसकी किसी की पालना नहीं होती। बड़े पैमाने पर ई रिक्शा में बढ़ोतरी तेजी से हुई है, और उनकी नागरिकता का विषय बहुत बड़े पैमाने पर आमजन में लिखा हुआ है, उसकी जाँच के पहले भी हमने मांग की थी, लेकिन कमिश्नर ने सरकार की तरफ से इसकी भी कोई जाँच की मांग अभी तक नहीं गई। बड़े पैमाने पर हमने पिछले दिनों ये जो ठेले लगते हैं इनके लिए वेंडर जोन्स की बात की थी, और वेंडर जोन की कमेटी बन गई थी, वेंडर जोन आइडेंटिफाई हुए थे। अच्छा होता सरकार इन सबको वेंडर जोन में लगाने की बात करती, इसके कारण से ट्रैफिक भी हैजार्ड भी बनते हैं और लोगों के कॉलोनियों भी इसके कारण से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ग्रामीण सरकार चाहते हैं कि इनको वेंडर जोन के जहाँ आइडेंटिफाइड है उन सब में इनको लगा करके इनको एक स्वस्थ वातावरण में अपने व्यापार को कर सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके कारण जो असामाजिक तत्व इसके आल में काम करते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने की बात आएगी। इसी प्रकार कानून व्यवस्था जयपुर शहर की जर्जर है, प्रदेश की हालत तो ये जयपुर शहर की राजधानी वहाँ की हालत है। हालत ये कि मंत्रियों के रिश्तेदार अब होटलों में जाकर के अलग अलग तरीके से दबाव बनाने काम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, और बाद में सरकार के दबाव में उनको FIR को बदलने का एक मामले नहीं, लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। चाहे जौहरीलाल मीणा का मामला होगा, चाहे बेई जोशी का विषय अलग तरह से चल रहा होगा, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के पुत्रों के मामले आज सरकार के और उनके ऊपर सरकार कोताही करने में पूरी तरह से सफल हो रही है। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और गृह जिला होने के बाद भी आज जोधपुर क्राइम कैपिटल बन गया है। अभी हाल में जिस प्रकार की घटना जोधपुर में एक अपने दोस्त के साथ एक बच्ची थी उसके साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ, और लगातार एक एक सीरीज के साथ वहाँ कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं चल रही हैं। ये सारा एक क्राइम कैपिटल बना है, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, ना तो मुख्यमंत्री के नाते राज्य का शासन संभाल पा रहे हैं, ना गृह मंत्री के नाते राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने की स्थिति में। इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक ही नहीं सहेगा राजस्थान के थीम के ऊपर कार्यक्रम शुरू किया है। अलग अलग चरण उसके होंगे, 1 तारीख को इसमें चलो जयपुर अभियान, भ्रष्टाचार को नहीं सहेगा राजस्थान, चलो जयपुर समाधान है भाजपा, महिला दुष्कर्म को नहीं सहेगा राजस्थान,
चलो जयपुर नहीं सहेगा, समाधान है भाजपा। पेपर लीक का नहीं सहेगा राजस्थान, समाधान है भाजपा, चलो जयपुर। इस थीम के ऊपर 1 अगस्त को जयपुर में सारे राजस्थान के लोग एकत्रित होंगे और उस पूरे अभियान में जयपुर के सचिवालय को घेरने का कार्यक्रम, और इस अब एक तरह से सरकार का विदाई का बिगुल बज चुका है, उसको अलग जगाने के लिए आज पूरे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के चलने वाले हैं। इस विषय के अब तक के कार्यक्रम और आगे के कार्यक्रमों में जन जागरण के कार्यक्रम उनके बारे में हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण जी पंचाली आपने कोई बताया। नमस्कार मित्रों, माननीय अरुण चतुर्वेदी जी ने कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि राजस्थान की गांव ढाणी में रहने वाले और शहर में रहने वाले हर नागरिक के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि चलो जयपुर और इस कुशासन को खत्म करो, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मैं जानकारी देना चाहूंगा। भाइयों, 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आह्वान किया। आप सबको पता है ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की नंबर एक पार्टी है, विश्व की नंबर एक पार्टी का अध्यक्ष जयपुर की धरती पर आकर और आगाज कर रहे हैं कि राजस्थान की धरा पर आइए इस कुशासन को हटाइए। 16 तारीख के बाद 17 तारीख को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र बहुत ही मजबूत है, 365 दिन 24 घंटे चलने वाला ये संगठन जिसने राजस्थान के अंदर 44 जिलों में 1113 टोटल मंडलों की रचना, सशक्त मंडलों की रचना की है, उसके बाद 7776 शक्ति केंद्रों की रचना भी की है और तो और नीचे उतर कर बूथ सहित फोटो सहित बूथ की घटना की है वो 51178 संपूर्ण राजस्थान के बूथों की संरचना भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण की है। ये केवल मैं कह नहीं रहा हूं, सरल पोर्टल पर आप भी अगर देखेंगे तो फोटो नंबर सहित वहां पर आपको वो कार्यकर्ता मिलेगा। एक कदम और आगे बढ़कर गुजरात में भी सही हमने देखा था पेज प्रमुख की रचना, तो मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस राजस्थान की संपूर्ण वोटर लिस्ट को देखेंगे तो 9,50,000 पेज है, उसमें से 5,00,000 पेज प्रमुख सरल पोर्टल पर डाउनलोड हो चुके हैं, बाकी प्रक्रिया अभी जारी है। तो मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर गली में मोहल्ले के अंदर पेज प्रमुख का मतलब केवल 60 वोटरों पर एक हमारा कार्यकर्ता रहेगा। ऐसी रचना करने वाली ये धावा भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 17 तारीख को अपने जिला मुख्यालय पर आह्वान किया, ये कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान बहुत 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 हो गया, और तो और इसके पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के 200 रथ निकले। मैं सोचता हूँ आजाद भारत में एक पहला उदाहरण था, निश्चित समय अवधि में एक साथ सभी विधानसभाओं में और रथ पहुंचे, जनता को टटोला, पंचायत समिति गांव गांव में गए, हमने कोई बड़ी सभाएं नहीं की, एक एक पंचायत पर जाकर जनता की क्या क्या शिकायतें हैं, क्या आक्रोशित थी जनता, सबकी शिकायत पेटिका में शिकायतें इकट्ठे की और उसके बाद उनकी मीटिंगें भी की, तो जनता का आक्रोश भयंकर है। मैं दोहराऊंगा नहीं उन विषयों को जो अभी अरुण जी ने आपके समक्ष रखा है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही नियोजित तरीके से, दूसरा जो हमने एक ये जो हेल्प कार्ड उसने लॉन्चिंग के अंदर हमारे अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, इसको लेकर के और एक एक घर पहुंचना, जब हमारी संगठन है मैं कहता हूँ 23 के चुनाव के हमारे सैनिक एक एक बूथ पर खड़े हैं, इनको हम युद्ध मान रहे हैं, चुनावी युद्ध के अंदर संघर्ष करने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। ये फेल कार्ड अशोक गहलोत जी का लेकर एक एक घर में हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहा है और उसको कहते हैं इसके अंदर नंबर है, आप ये अगर डायल करेंगे 1140200200 तो आप भी इससे जुड़ जाएंगे अभियान से, तुरंत फोन आएगा, उसके बाद सूचनाएं आपके पास आती रहेगी।
एक इसके अंदर स्कैन करने का जो पीछे दिया है, जिसने इसको स्कैन कर लिया, 4.5 साल के कांग्रेस के काले कारनामे जो राजस्थान की धरती पर किया है, इस खजाने को लूटा है, गरीबों को प्रताड़ित किया है, महिलाओं की इज्जत लूटी है, सारे के सारे आंकड़े ये स्कैन करते ही उस बंदे को वहां बैठे गांव धारी में बैठे हुआ किसान खेत में बैठा हुआ उसको देख सकेगा। इतनी अप टू डेट व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है भाइयों, इसको लेकर हमारे यहाँ पर हमारी बहनें भी साथ थी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित हमारी बहनों को होना पड़ा है, तो उन्होंने भी खाली नाद का कार्यक्रम किया है। हमारे विपक्ष की पार्टियों के कोई भी MLA शांति से अब नहीं रह सकेंगे, खाली नाद करते हुए हमारी बहनें उनके घर तक पहुंचने वाली है। अगर कहीं MLA नहीं है तो वहां कोई भी कांग्रेस का नेता है उसको जरा समझाने के लिए हमारी बहनें खाली नाद भी करेगी, युवा मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे, दलित लोग जो है और वहां पर काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे एक क्रमबद्ध कार्यक्रम और हमारा चलने वाला है। आप 25 तारीख के आज यहाँ पर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण राजस्थान के 25-26 दो दिन के अंदर तक सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के जिला मुख्यालय पर और ये बात आम जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 1 तारीख का दिन वो ऐतिहासिक दिन रहेगा, याद करना इतना बड़ा मूवमेंट राजस्थान की धरती पर नहीं हुआ, ऐसा मूवमेंट होने वाला है। 5 जो रास्ते आ रहे हैं ना, दिल्ली से, आगरा से, अजमेर रोड पे, टॉप रोड पे, सिक्टर रोड पे, चारों तरफ से जनता आकर्षित होकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ी संख्या में जनता जयपुर की धरती की तरफ कूद करेगी। सचिवालय का घेराव होने वाला है, ऐतिहासिक घेराव होगा, जनता आ रही है, कुर्सी खाली करो, इस आह्वान के साथ में ये कार्यक्रम है। नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं कहता हूँ सरकार तो इतनी घबरा गई भैया, जब असेंबली आपकी चल रही थी, अटॉर्नमेंट 1 दिन का होता, 2 घंटे का, 1 घंटे का होता, वहां तो घबराहट इतनी हुई कि कल विधायक लोग मुझे मिले दोपहर में आगे, मैं क्या हुआ जी इतने जल्दी कैसे आए, कि बस भाई साहब अब तो उन्होंने हम तो गांव में लगेंगे, अब तो 2 तारीख के लिए अटॉर्न हो गया। तो हमारा सारे के सारे जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं अपने क्षेत्रों के अंदर, बहुत बड़ा आंदोलन हम 1 तारीख को 1 अगस्त को करने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता इस तरह का उसको टारगेट करके मिल रहा है, केवल कार्यकर्ता ही जनता के साथ जाएंगे। आधे से ज्यादा बलात्कारी है, मेरा भी नार्को जाए तो इतना बड़ा आरोप लगाया है, और 5 साल में BJP जो कुछ नहीं कर पाई वो 2 दिनों में उन्होंने BJP तो मैं महेश जी विषयों पर BJP लगातार बोल रही है, और जिस समय वो भागे थे उस समय BJP बोली थी, जिसमें डायरी पर इनकम टैक्स के रेट में गए थे और चार पे ब्लैकमेल कांड का मामला होगा, उस समय भी BJP इस विषय को बोला था, आज भी उसी ब्लैकमेल कांड से जोड़ करके उन्होंने बात की थी, और उन्होंने स्वयं ने कहा मुझे उसको कहने बात हुई उनको इस सारे मामले में देखो उतना ही उनके नार्को केस उनका भी कारण हो मेरा भी कारण हो। अब मुख्यमंत्री जी को पता होता है, वो गृह मंत्री भी हैं, अपने ही खुद के पूर्व मंत्री के ऊपर, आपके विधायक दल का रहने वाले व्यक्ति के ऊपर, वो उसके ऊपर कार्रवाई करें, और एक बार इस काम को करें। प्रधानमंत्री 27 को फिक्र में कांग्रेस कह रही है 700